जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, सौंफ की हम बात करेंगे। सौंफ में कई औषधीय गुण होते हैं जिसका सेवन करने से स्वास्थ्य को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सौंफ हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होती है। सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। सौंफ का फल बीज के रूप में होता है और इसके बीज को ही प्रयोग किया जाता है। पेट की समस्याओं के लिए सौंफ बहुत फायदेमंद होती है। तो जान लेते हैं सौंफ के फायदे कौन कौन से हैं। सौंफ खाने से पेट और कब्ज की शिकायत नहीं होती। सौंफ और मिश्री या चीनी के साथ पीस कर चूर्ण बना लीजिए। रात को सोते वक्त 5 ग्राम चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। पेट की समस्या दूर हो जाएगी, होगी ही नहीं, और आपकी कब्ज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आँखों की रोशनी सौंफ का सेवन करके बढ़ाई जा सकती है। सौंफ और मिश्री समान मात्रा में लेकर पीस लें। इसकी एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ 2 महीने तक लीजिए, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अगर डायरिया है तो आपको सौंफ खानी चाहिए। सौंफ की बेल के गूदे के साथ सुबह शाम चबाने से आपको अजीर्ण समाप्त हो जाएगा और अतिसार में भी फायदा मिलेगा। अगर आप चाहें तो सीधा सौंफ भी खा सकते हैं। खाने के बाद सौंफ का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे खाना अच्छी तरह पचता है। सौंफ, जीरा और काला नमक मिलाकर चूर्ण बना लीजिए। खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ इस चूर्ण को लीजिए, ये उत्तम पाचक है। खांसी होने पर सौंफ बहुत फायदा पहुंचाता है। सौंफ के 10 ग्राम अर्क को शहद में मिलाकर लीजिए, इससे खांसी आना बंद हो जाएगा। यदि आपको पेट में दर्द है तो भुनी हुई सौंफ चबाइए, इससे आपको आराम मिलेगा। सौंफ की ठंडाई बनाकर पीजिए, इससे आपकी गर्मी शांत होगी और जी मचलाना बंद हो जाएगा। यदि आपकी खट्टी डकारें आ रही हैं तो थोड़ी सी सौंफ पानी में उबालकर मिश्री डालकर पीजिए, 2-3 बार प्रयोग करने से आराम मिल जाएगा। हाथ पांव में जलन होने की शिकायत होने पर सौंफ के साथ बराबर मात्रा में धनिया कूटकर छानकर मिश्री मिलाकर खाना खाने के पश्चात 5-6 ग्राम मात्रा में लेने से कुछ ही दिनों में आपकी हाथ पैर की जलन में आराम मिल जाएगा। अगर आपको गले की खराश है तो सौंफ को चबाइए। सौंफ चबाने से बैठा हुआ गला साफ हो जाता है। रोजाना सुबह शाम खाली सौंफ खाने से खून साफ होता है, जो कि त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे त्वचा में चमक भी आती है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।